गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है रैशनलाइज के बारे में अभी क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं अर्जुन जांगड़ा फ्रॉम ईआर अर्जुन जांगड़ा क्लासेस से आपको अभी एक टॉपिक दिखाने जा रहा हूं, जिसको आप आसानी से समझ सकेंगे और कर भी सकेंगे। जैसे मैंने ये टॉपिक लिया है रैशनलाइज का। रैशनलाइज क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आ जाता है तो उस रूट को कैसे सोल्व किया जाए, वो रैशनलाइज का टॉपिक होता है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट लिखा मैंने 1/√2। 1/√2 को रैशनलाइज कैसे करेंगे कि इसमें रूट टू नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हमने उसमें क्या किया कि मल्टीप्लाई का निशान लगाया और न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/√2 था, मल्टीप्लाई रूट टू और रूट टू दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 को जब किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आ जाए। जैसे 1 को रूट टू से किया तो मैंने रूट टू आ गया। और मैंने यहाँ साइड में लिखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम रूट्स, लाइक जब हम एक जैसे रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे रूट टू है और रूट टू को जब मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ रूट हट जाएगा, मतलब टू आ गया। इसी तरीके से रूट थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जब वन को रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया, रूट टू आ गया हमारा, और रूट टू रूट टू को मल्टीप्लाई किया नीचे तो क्या हो गया, टू आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया कि रूट थ्री बाय टू बाई थ्री को हमने रैशनलाइज करना है, तो क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में थ्री है तो ऊपर भी न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई में हम जानते ही हैं कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई है। जब टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया रूट थ्री, और जब सिमिलर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो तो रूट हट गया तो आ गया टू रूट थ्री अपॉन थ्री। इसी तरीके से मैंने एक और थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट लिया है, जैसे सेवन अपॉन में रूट सेवन। तो सेवन अपॉन रूट सेवन मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट सेवन मल्टीप्लाई रूट सेवन, रूट सेवन अपॉन रूट सेवन, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर से किया। तो सेवन को जब रूट सेवन से किया तो ये विदाउट रूट की डिजिट है, तो ये इसके साथ लग गई है, सेवन रूट सेवन आ गया, और नीचे तो सिमिलर रूट सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा सेवन। फिर सेवन से सेवन क्रॉस हो रहा है, काट दिया हमने, उसके बाद रूट सेवन इसका आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, और इसी के कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं और मुझे फॉरवर्ड करने करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।